स्टेपर मोटर एक ब्रशलेस सिंक्रोनाइज मोटर है जो कि रोटेट करता है स्टेप में। मतलब स्टेपर मोटर अपना रोटेशन को छोटा छोटा स्टेप में डिवाइड कर लेता है, जिसके कारण हम लोग बहुत ही बारीकी से मोटर का पोजीशन को ढूंढ सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी फीडबैक, जिसके कारण हम स्टेपर मोटर को प्रिंटर या तो रोबोटिक हैंड या फिर 3D प्रिंटर, CNC मशीन, जहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे हम लोग स्टेपर मोटर का ही यूज़ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव पर्वत और आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल में। आज हम देखने वाले हैं एक स्टेपर मोटर का बेसिक प्रिंसिपल, एक स्टेपर मोटर कैसे काम करता है और उसको हम लोग किसने आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। मैंने मेरा कंप्यूटर डिवीडी राइटर से एक स्टेपर मोटर को निकाल लिया है। ये आप लोग देख सकते हैं एक स्टेपर मोटर है जो कि मैंने इससे निकाल लिया था। ये एक तो डिवीडी राइटर का अंदर का पार्ट्स है। तो स्टेपर मोटर के प्रोग्राम करने से पहले हम लोग एक तो छोटा सा एनिमेशन देखेंगे, जिससे हम लोग स्टेपर मोटर को बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे। स्टेपर मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल को जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। इसी एनिमेशन में उसी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये 4 कॉन्डक्टर है और इसके ऊपर कुछ वायर को हम लोग इस तरह से लपेट देंगे इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, और 1 का वायर का एंड के साथ 3 का वायर का स्टार्टिंग ज्वाइन करेंगे, उसी तरह से 2 के साथ 4 का वायर का ज्वाइन करेंगे। और इसका बीच में एक तो परमानेंट मैग्नेट हम लोग रखेंगे, जिसका एक तरफ में नॉर्थ पोल होगा और एक तरफ में साउथ पोल होता है। अभी इसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। ऊपर का वायर का एंड को नाम देते हैं ए, नीचे का ए डैश, फिर राइट साइड का बी और लेफ्ट साइड का बी डैश नाम देते हैं। और स्टेपर मोटर को कंट्रोल 3 प्रोसेस में होता है, मतलब तीनों तरीके से हम लोग स्टेपर मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो है फुल स्टेपिंग, हाफ स्टेपिंग और माइक्रो स्टेपिंग। इस एनिमेशन में हम लोग फुल स्टेपिंग के बारे में सीखेंगे, फिर हाफ स्टेपिंग के बारे में, फिर माइक्रो स्टेपिंग के बारे में। तो अभी अगर मान लेते हैं कि ए नंबर जो पिन है उसमें 1 मतलब 5 का सप्लाई देते हैं और बाकी में ग्राउंड देते हैं, तो अभी करंट जो है वो ए से ए डैश की तरफ फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तो ये दोनों जो एक कंडक्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए एक तरफ में नॉर्थ पोल क्रिएट होगा और एक में साउथ क्रिएट होगा। तो जो बीच का जो परमानेंट मैग्नेट है उसका जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा और नीचे का नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होके कुछ इस तरह से घूम जाएगा। इसी वैल्यू को अगर हम लोग ट्रुथ टेबल में डाल लेते हैं तो कुछ इस तरह से वो वैल्यू आएगा। फिर अगर हम लोग बी में 5 मतलब 1 सप्लाई देते हैं और बाकी में ग्राउंड सप्लाई देते हैं, तो फिर से पहले की तरह परमानेंट मैग्नेट जो है वो घूम के इस तरह से आ जाएगा। फिर अगर हम लोग ए डैश में 5 और 1 सप्लाई देते हैं और ए में ग्राउंड सप्लाई देते हैं, तो ए डैश में जो कंडक्टर है उसमें नॉर्थ पोल क्रिएट होगा और ए में साउथ पोल क्रिएट होगा, तो उसका जो बीच का परमानेंट मैग्नेट है वो फिर अट्रैक्ट होके इस तरह से घूम जाएगा। और इसी तरह से अगर हम लोग सप्लाई को चेंज करते रहे एक के बाद एक, तो ये बीच का जो परमानेंट मैग्नेट है वो इस तरह से घूमता जाएगा। और स्टेपर मोटर में इसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है, और जो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है उसी के ऊपर उसका शाफ्ट लगा हुआ होता है, जिस मदद से ये परमानेंट मैग्नेट घूमता है तो उसका शाफ्ट भी घूमता है। मैंने जो यहाँ पे स्टेपर मोटर लिया है वो बाइपोलर स्टेपर मोटर लिया है जो कि मैंने मेरा डिवीडी राइटर से निकल लिया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 4 वायर को कनेक्ट करने के लिए 4 पिन दिया हुआ है। ये 4 पिन ही है आपका ए ए डैश, बी और बी डैश। ऊपर में 2 है, नीचे में 2 है। अभी कौन सा पिन क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक तो मल्टीमीटर लेंगे और इसको हम लोग कंटिन्यूटी मोड में रखेंगे, मतलब बाजिंग मोड में रखेंगे। अभी
इसका जो दो वायर होता है ये दोनों आपस में शॉर्ट होने से ये बाजिंग साउंड देता है। ठीक है, तो अभी चलिए इसको चेक करते हैं। तो पहले हम लोग येलो वायर को लेते हैं और ग्रीन वायर को लेते हैं, दोनों को देखते हैं शॉर्ट करके कि आपस में शॉर्ट है कि नहीं है। देखिए कुछ साउंड नहीं दे रहा है, मतलब ये आपस में शॉर्ट नहीं है। अभी योलो के साथ रेड वाला जो वायर है इसको ट्राई करते हैं। हाँ देखिए योलो के साथ रेड शॉर्ट है, मतलब योलो अगर ए होगा तो रेड ए डैश पिन होगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं योलो है ऊपर का पिन और रेड है नीचे का पिन। तो इसी तरह से ग्रीन और ब्लैक आपस में शॉर्ट है। ठीक है, देखिए तो मतलब हम लोग देख सकते हैं कि ये दो वायर एक ठो शॉर्ट है और ये दोनों वायर शॉर्ट है। तो ये दोनों वायर अगर ए ए डैश होगा तो ये दोनों वायर बी और बी डैश होगा। ठीक है, तो इसको अभी घुमाने के लिए एक तो ड्राइवर हम लोगों को लगेगा, जिसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं L298N मोटो ड्राइवर आईसी को हम लोग यूज करेंगे, जिसको हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पिन है यहाँ पे जो आपका तीन ठो पिन दिख रहा है ये बीच वाला में है ग्राउंड, और यहाँ पे 5 वोल्ट से अगर सप्लाई करते हैं तो 5 वोल्ट देना पड़ेगा, और अगर 12 वोल्ट का मोटर है तो यहाँ पे 12 वोल्ट देना पड़ेगा। मतलब 5 वोल्ट से जो भी ऊपर होगा वोल्ट अगर, तो उसको यहाँ पे देना पड़ेगा और बीच वाला में ग्राउंड, और अगर 5 वोल्ट में मोटर चलता है तो यहाँ पे 5 वोल्ट देना पड़ेगा। और ये दोनों आपका आउटपुट पिन है जो कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये आपका आउटपुट 3 और ये आपका आउटपुट 4, ये आपका आउटपुट 2, ये आपका आउटपुट 1। ठीक है, और उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो है पिन दिया हुआ है कंट्रोलर पिन, यहाँ पे 4 ठो पिन आप लोग देख सकते हैं। तो 4 ठो पिन में ये आपका पिन नंबर 1, मतलब इस पिन में अगर हाई वन है, फर्स्ट वाला पिन में अगर हाई वोल्ट आएगा तो यहाँ पे जो एक नंबर है वहां पे हाई आएगा, उसके बाद अगर हाई आता है 2 वाला में तो यहाँ पे 2 में हाई आएगा, मतलब एक के साथ यहाँ पे कनेक्ट है, इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट है, और 3 नंबर के साथ आउटपुट 3 में कनेक्ट है, और 4 4 के साथ आउटपुट 4 में कनेक्ट है। ठीक है, हम लोग इस पिन को हाई या लो वोल्टेज देके हम लोग ये आउटपुट पिन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका 2 ठो पिन जो शॉर्ट किया हुआ है आपको देख सकते हैं, ये PWM पल्सेस को यूज करने के लिए यूज होगा, लेकिन फिलहाल अभी ये दोनों पिन हम लोगों को नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग ग्राउंड के साथ शॉर्ट करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये आपका हो गया ए ए डैश, तो ये होगा आपका बी, दिन वाला होगा आपका बी, तो बी को हम लोग यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ए ए डैश है और यहाँ पे आपका बी बी डैश है, और इन दोनों इन चारों पिनों को हम लोग यहाँ से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अभी इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को एक तो ऑर्डिनो का जरूरत है जो कि हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं, और इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोगों का 4 जम्पर चाहिए। फिलहाल तो हम लोग इसी जम्पर को यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डिनो का डिजिटल पिन 2 3 4 5 को यूज करेंगे। तो वहां पे हम लोग हमारा पिन को लगा दिए, और ये जो 2 3 4 5 पिन है इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 1 2 3 4 नंबर पिन में। ठीक है, और
यहाँ पे आपका एक्सटर्नल सप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका स्टेपर मोटर है उसका जो करंट कंज्यूमिंग है उतना करंट आपका ऑर्डिनो जो माइक्रो कंट्रोलर है वो सप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक तो मोबाइल चार्जर, तो मोबाइल चार्जर हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका हम लोग एक साइड पर ऐसा एक चीज़ लगा लिया है मोबाइल का फीमेल सॉकेट, जिसका 5 वोल्ट को हम लोग इसका सप्लाई में डालेंगे। और इसका जो ग्राउंड पिन है उसके साथ मैंने एक ठो और वायर को सोल्डर कर लिया है, क्योंकि इसका जो ग्राउंड है और ऑर्डिनो का जो ग्राउंड है ये दोनों एक साथ आपस में शॉर्ट होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैंने इसको इसका जो ग्राउंड है वो मैंने यहाँ पे ग्राउंड में लगा लेते हैं। और ये जो आपका ग्राउंड का जो पिन यहाँ से निकल रहा है ये पिन ऑर्डिनो का जो ग्राउंड वाला पिन है उसके साथ हम लोग शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो हम लोगों का कनेक्शन रेडी है और इसको बस सप्लाई देना बाकी है। तो चलिए इसका अभी सर्किट डायग्राम देख लेते हैं एक बार। तो स्टेपर मोटर का जो 4 पिन था और मॉड्यूल का जो 4 आउटपुट पिन था, आउटपुट 1 2 3 4, वो सब पिन के साथ स्टेपर मोटर का पिन को इस तरह से कनेक्ट कर दिया। आउटपुट 1 के साथ ए, आउटपुट 2 के साथ ए डैश, आउटपुट 3 के साथ बी एंड आउटपुट 4 के साथ बी डैश। फिर एक तो ऑर्डिनो लिया एंड ऑर्डिनो का जो पिन था D2 D3 D4 D5, इन सब पिन को साथ मॉड्यूल का IN1 2 3 4 पिन को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद एक तो हमने मोबाइल चार्जर लिया था जिसका 5 वोल्ट पिन हम लोग मॉड्यूल का 5 वोल्ट पिन में दिया, और जो ग्राउंड पिन था उसको ग्राउंड में दे दिया। और मॉड्यूल का ग्राउंड और ऑर्डिनो का ग्राउंड आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा जैसे कि मैंने बोला था। चलिए इसका पहले कोडिंग को हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो ऑर्डिनो में दो चीज होता है, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। तो उनसे उसमें आने से पहले हम लोग कुछ पिन को डिफाइन कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले 4 पिन को डिसाइड कर लिया कौन सा पिन किस में है, उसके बाद इसको आउटपुट डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके लिए पिन मोड, तो यहाँ पे आपने 4 पिन को डिक्लेयर कर दिया आउटपुट। आप देखते हैं इसका कोडिंग में। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग पिन ए में हाई देंगे। उसके लिए चलिए डिजिटल राइट, दे दिया, फिर बाकी में सब लो। एक तो और वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि डिले के लिए होगा, टाइम बोल के वेरिएबल ले लेते हैं, टाइम डिले नाम दे देते हैं, 10 मिलीसेकंड का डिले देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यही कोडिंग हम लोग कॉपी कर लेते हैं 4 स्टेप के लिए। एक दो तीन 4 हो गया। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में होगा पिन ए हाई होगा, फिर उसके बाद पिन बी हाई होगा, फिर उसके बाद ए डैश हाई होगा, फिर इसके बाद बी डैश हाई होगा, जैसे कि हमने ट्रुथ टेबल में देखा था। ठीक है, चलिए इसको पहले हम लोग अपलोड करके देखेंगे कि काम हो रहा है कि नहीं।
सेव कर लेते हैं। चलिए अभी इसको स्टेपर मोटर को कुछ स्टेप फॉरवर्ड घुमाएंगे और कुछ स्टेप रिवर्स घुमाएंगे, उसका कोडिंग लिखते हैं। हम लोग एक फॉर लूप ले लेते हैं जिसको हम जीरो क्योंकि 20 बार ये घूमेगा ये लूप। ठीक है अब इसको रिवर्स घुमाने का कोडिंग लिखते हैं। एक तो और फॉर लूप लेंगे ठीक है, तो यहाँ पे यही कोड होगा बस इसके रिवर्स ऑर्डर में घूमेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर क्या होगा पहले जो घूमेगा रिवर्स ऑर्डर में आएगा, मतलब पिन बी डैश पहला हाई होगा, फिर उसके बाद कौन सा था पिन ए डैश हाई होगा, अभी ए डैश को हाई कर देते हैं। फिर कौन था फिर बी हाई होगा, तो यहाँ पे जाकर इसको बी को हाई कर देते हैं। ए हाई होगा, ठीक है। तो इसको चलिए इसको अपलोड करके देखते हैं पहले। देखिए घूम तो रहा है लेकिन रिवर्स तो नहीं घूम रहा है, तो देखते हैं थोड़ा। अच्छा यहाँ पे जे का वैल्यू 20 से स्टार्ट होगा। हाँ देखिए अभी ये एक बार फॉरवर्ड घूम रहा है एक बार बैकवर्ड घूम रहा है। ठीक है तो चलिए पहले एक बार कोडिंग को देख लेते हैं कि क्या किया हमने। हाँ यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पिन को डिक्लेयर कर लिए कौन सा पिन कहाँ में लगा है, उसके बाद हर एक पिन को हमने आउटपुट डिक्लेयर कर लिए। आउटपुट के बाद जब लूप में आए तब एक तो फॉर लूप ओपन किया जो 0 से 20 तक घूमेगा, मतलब ये लूप 20 बार घूमेगा। तो पहला क्या होगा पिन ए हाई होगा बाकी सारा लो होगा, फिर कुछ टाइम डिले जाएगा, फिर पिन बी हाई होगा और बाकी सारा लो होगा, फिर कुछ टाइम डिले होगा, फिर पिन ए डैश हाई होगा बाकी सारा लो होगा, फिर पिन बी डैश हाई होगा बाकी सारा लो होगा, जिस तरह से आपने एनिमेशन में दिखे थे आप साइड में टेबल में देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ ठीक इसका उल्टा, मतलब यहाँ पे जो लास्ट हुआ था बी डैश हाई हुआ था, तो यहाँ से बी डैश हाई से स्टार्ट होगा, तो बी पहले में बी डैश हाई होगा फिर बाकी सब लो होगा, फिर ए हाई होगा बाकी सब लो होगा, फिर बी हाई होगा बाकी सब लो होगा, और फिर ए हाई होगा बाकी सब लो होगा। ये था इसका बेसिक कोडिंग। अभी इस कोडिंग को थोड़ा हम एडवांस में करेंगे। अच्छा यहाँ पे हम लोग जो कोड लिखे थे अभी इसी कोड को हम लोग थोड़ा छोटा करने का कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक तो वेरिएबल लेंगे int pins बोल के जो कि होगा 1D एरे जिसके अंदर हम हर एक पिन को डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन
इनको उसी सीक्वेंस में डिक्लेयर करना पड़ेगा जो सीक्वेंस में हम लोगों का ट्रुथ टेबल में था, ठीक है। फिर ले लेंगे एक तो फॉरवर्ड बोल के वेरिएबल जो कि 2D एरे होगा, 2D एरे होगा और जिसके अंदर 4 रो और 4 कॉलम रहेगा, तो इसके अंदर हम लोगों को वो वैल्यू देना पड़ेगा। तो क्या था ट्रुथ टेबल का वैल्यू, कुछ इस तरह का था। ये आपने वो जो वैल्यू लिए थे वो जो ट्रुथ टेबल का जो वैल्यू था वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लिए। तो अभी इसको आउटपुट डिक्लेयर करना पड़ेगा हर एक पिन को। तो अभी 4 लाइन नहीं लिखेंगे, एक तो लाइन में इसको डिक्लेयर कर लेंगे। तो फॉर लूप लिया आई इक्वल टू 0 और पिन को आउटपुट डिक्लेयर करने के लिए पिन मोड फंक्शन, उसके अंदर पिन्स को हम लोग ले लेंगे आई आउटपुट। तो इस तरह से हम लोग हर एक पिन को आउटपुट डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी आते हैं फॉर में, अभी आते हैं लूप में, वाइट लूप में। तो लूप में अभी ये जो फंक्शन हम लोग लिखे थे इसको अभी जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग पूरा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम लोग एक फॉर लूप ले लेते हैं, int i इक्वल टू 0 i less than 4 i++। इसके अंदर एक और इनर लूप चलाना पड़ेगा हम लोगों को j नाम के, उसके अंदर हम लोगों को देना पड़ेगा डिजिटल राइट पिन को हाई या लो करने के लिए। तो डिजिटल राइट में हमको दो इनपुट, यहाँ पे दो इनपुट वैल्यू देना पड़ता है, एक तो पिन नंबर और एक तो हाई या लो। तो पिन नंबर हम लोग को मिल जाएगा पिन्स के, पिन से यहाँ पे देखते हैं जे कॉमा हाई या लो के लिए हम लोग जो फॉरवर्ड लिखे थे फॉरवर्ड से हम लोग डेटा को उठा लेंगे। ठीक है, और इससे बाहर आके हम लोग कर देते हैं यहाँ पे एक छोटा सा डिले। डिले देना बहुत ही जरूरी है क्योंकि डिले अगर नहीं देंगे तो ये इतना तेजी से घूमेगा कि मोटर का शाफ्ट को घुमा नहीं पाएगा। इसको हम लोग अपलोड करके देखते हैं। हाँ, एकदम ठीक तरह से चल रहा है। ठीक है, तो हमने कोड को देखिए बहुत छोटा कर दिया, इतना सा लूप में ही पूरा इसको घुमा दिया फॉरवर्ड में। अब इसको बैकवर्ड घुमाने के लिए सेम ही कोड लिखना पड़ेगा। इसको एक तो और वैल्यू डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग, जिसका बस ये वैल्यू चेंज होगा और यहाँ पे लिखा भी चेंज होगा। इसका नाम फॉरवर्ड नहीं होगा, इसका नाम होगा बैकवर्ड और ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगा जिस तरह से डेटा सेट में है, डेटा सेट नहीं ट्रुथ टेबल में जिस तरह से है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे हमने डाल दिया। अभी क्या होगा, अभी जो ये फॉर लूप में जो घूम रहा था ये इतना सारा दो फॉर लूप घूम रहा था, बस ये पूरा एक ठो 4 स्टेप को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी हम बोल रहे हैं कि ये जो 4 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर रहा था ये स्टेप 50 टाइम्स घूमेगा। तो उसके लिए हम लोग एक और फॉर लूप ले लेते हैं ए नाम से 50। इस सब का अंदर होगा ये वाला फॉर लूप, इसके अंदर होगा ये, फिर डिले, फिर
ये ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर इसके बाद एक और ब्रैकेट क्लोज होगा। तो यही फंक्शन को हम लोग एक और बार घुमाएंगे बैकवर्ड के लिए। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ये होगा बस बैकवर्ड, ठीक है। बाकी सब तो सेम ही होगा, इसको अपलोड करके देखते हैं, फिर हम इसको एक बार ड्राई टेस्ट करके हम लोगों को समझा देंगे कि किस तरह से काम कर रहा है। हाँ एकदम सही तरह से काम कर रहा है। चलिए अभी एक बार देख लेते हैं कोडिंग को हम लोग क्या किए। तो यहाँ पे हम लोग एक 1D एरे लिए जिसके अंदर पिंस को डिक्लेयर कर लिए थे, फिर फॉरवर्ड बोल के एक 2D एरे लिए जिसके अंदर हम किस तरह से डेटा को भेजेंगे वो डेटा को यहाँ पे लिख लिए उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में हमको चाहिए। फिर यहाँ पे इसको आउटपुट डिक्लेयर कर लिए। अब आते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या होता है मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ, देख लीजिए। अभी मान लेते हैं कि k का वैल्यू 0 है, i का वैल्यू भी 0 है और j का वैल्यू भी 0 है। तो जब डिजिटल राइट के अंदर आया तो पिंस अभी j है, तो j का वैल्यू है 0, मतलब यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा इससे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, जानते होंगे आप ये बेसिक ऑफ एरे है। तो पिन a का मतलब है 2, दो नंबर पिन, तो ये रिप्लेस हो जाएगा दो नंबर पिन से। फिर आते हैं फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड अभी है आई जे, आई जे मतलब आई का वैल्यू 0, जे का वैल्यू 0। तो फॉरवर्ड में अगर 0 0 होता है तो इस यहाँ से 1 को उठाएगा, ये रिप्लेस कर देगा 1 से, मतलब हाई। तो ये इस तरह से एक स्टेप घूमेगा। फिर जे का वैल्यू इंक्रीज होगा 1, जे का वैल्यू जब इंक्रीज होगा पिंस का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। जो पिंस का वैल्यू इंक्रीज होगा तो मतलब 1, मतलब ये वाला डेटा यहाँ से उठाएगा, उससे ये रिप्लेस कर देगा। फिर फॉरवर्ड में भी चेंज हो जाएगा 0 1 0 1, मतलब यहाँ से 0 को उठाएगा, 0 को उठा के यहाँ पे 0 डाल देगा, मतलब एक और स्टेप कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये 4 बार घूमेगा। 4 बार घूमने के बाद इस लूप से बाहर आएगा, आके यहाँ पे एक तो छोटा सा डिले देगा, जो कि हम लोगों ने मेरा पिछले जो कोडिंग किए थे वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। चारों पिन में डेटा को वैल्यू को भेजने के बाद एक तो छोटा सा डिले दिए थे। तो ये जो 4 लाइन था, ये आप यही 4 लाइन हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया इस दो फॉर लूप के मदद से। और ये वाला जो फॉर लूप है ये बोल रहा है कि ये जो दोनों फॉर लूप है ये दोनों फॉर लूप 50 टाइम्स घूमेगा, ठीक है। जब k का वैल्यू 50 हो जाएगा, 50 नहीं होगा 49 हो जाएगा, तब ये वाला फॉर लूप से निकल के बाहर आएगा, फिर ये वाला बैकवर्ड का जो फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा। एक और चीज यहाँ पे मैंने लिखा है k लेस देन 50, मतलब k का वैल्यू इंक्रीज होते होते 0 से 49 तक जाएगा, 50 तक नहीं होगा। तो 49 होने के बाद ही यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग लिखते थे लेस देन इक्वल टू 50, तो उसका मतलब है के 0 से 50 तक घूमेगा। ये बात को सही से जब कोडिंग करेंगे तब ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं कि इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो आई का वैल्यू 0 से 4 तक घूमेगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू है 0 1 2 3 तक, तो यहाँ पे एक स्टेप बेकार का घूम जाएगा, फिर डेटा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा कोड था, उसी कोड को मैंने बस इतना सा कोड में कन्वर्ट कर लिया। तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं हम लोग DDR रजिस्टर, पोर्ट और पिन रजिस्टर के मदद से। तो वो सब हम लोग देखेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए इतना ही।